हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बीकॉम के बाद बीकॉम बहुत सारे बच्चे करते हैं और बीकॉम के साथ साथ अदर कोर्स भी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो खाली बीकॉम कर रहे हैं उनके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर इसके बाद मैं क्या करूं। आज मैं आपको ऐसे 10 बड़े डिफरेंट कोर्सेज बताने वाला हूँ बीकॉम के बाद, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं पिछले 12 साल से करियर काउंसिलिंग कर रहा हूँ। गाइज, आई एम ए लेक्चर इन ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मेरा ये चैनल SBJ क्लासेज और अकाउंटिंग गुरुजी, जहाँ पर मैं अपने बच्चों को गाइड करता हूँ और साथ में अकाउंट्स भी टीच करता हूँ। तो आज बात करेंगे ऐसे 10 डिफरेंट कोर्सेज की जिन्हें करके तुरंत आप जॉब पा सकते हैं। अगर जॉब भी ना मिले तो आप अपना अपना बिल्डअप कर सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप। आइए जानते हैं ऐसे कौन से कोर्स हैं। और भाई, जो बच्चे बहुत गरीब फैमिली से हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो कोर्स हैं इनमें ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। कुछ कोर्स ऐसे हैं इनमें से जिनमें चार्जेस कुछ में नहीं है। आइए गाइस, 10वें नंबर पर चलते हैं, जिसका नाम है CFA, जिसे कहते हैं सर्टिफाइड फिनेंशियल अकाउंटेंट। सर्टिफाइड फिनेंशियल अकाउंटेंट अकाउंटेंट का एक ऐसा कोर्स है जो पूरे वर्ल्ड में अपना प्लेस बनाए हुए है। यानी कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो वर्ल्ड में किसी भी जगह जाकर आप अकाउंट कर सकते हैं। सब जगह के रूल इसमें पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, सब जगह के रूल पढ़ाए जाते हैं। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनी में जो अकाउंट्स करते हैं वो CA होते हैं या CFA होते हैं या आपके CS होते हैं। तो ऐसे में अगर आप CFA कोर्स करते हैं, कुल मिलाकर ये कोर्स 2 से 3 साल का है, लेकिन इसे करके आप डेफिनेटली जॉब पाओगे। और जॉब भी ऐसी नहीं बता रहा मैं 5-10 हज़ार की, जॉब भी अच्छी खासी मिलेगी 30 से 40 हज़ार की। तो CFA कोर्स के बारे में आपको अगर जानना है तो गूगल पे आप सर्च करें या मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट आता है गाइज, अगर बात करें तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी एक तरह का कोर्स ही मैं कहूँगा। 9 नंबर में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, अब बीकॉम के बाद कौन सा पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। वैसे तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट की जॉब है ना, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए स्पेशली कौन सी है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी आप देखिएगा। फिलहाल बीकॉम के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 2 पोस्ट सबसे ज़्यादा होती हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एक्साइज है, ओ डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती है, या फिर अकाउंट कम क्लर्क की वैकेंसीज निकलती हैं, या फिर आपको मार्केटिंग की वैकेंसी या कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जो बीकॉम वाले बच्चों के लिए होती है। इसके लिए आप इंतज़ार करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी निकलती है, जिसमें आप ज़रूर फिल करा करो। अगर आप नहीं कर सकते, आपको नहीं पता लगता, तो आप ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे मैंने आपको SSC CGL है, SHSL है, स्टेनोग्राफर है, रेलवे की है, ग्रुप डी की, या और अदर वैकेंसीज है, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी एक बहुत बड़ी है। नेक्स्ट बात करें CS, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी इज़ रिलीवेंट देन CA। CA की तरह का एक कोर्स होता है, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो मैनेजमेंट की फील्ड का एरिया होता है, जैसे MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अलावा जो उसके डॉक्यूमेंटियल वर्क होता है, यानी कि जो लिखित कार्य होता है, वो CS करता है। CS बनने के बाद आप अपनी कोचिंग क्लास भी खोल सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट बैंक्स और गवर्नमेंट PSU कंपनीज भी CS को हायर करती हैं। 4 साल का कोर्स है CS, लेकिन अगर आप BCom के बाद करते हैं तो आपका एक कोर्स सिर्फ 2.5 साल में हो जाएगा। इसमें 1 साल की इंटर्नशिप और 2 एग्ज़ाम आपको, इनके 2 ग्रुप आपको क्लियर करने होंगे। इससे पहले अगर बात करें 8 नंबर पर, तो वो भी आता है। जी हाँ, 7 नंबर पर तो आता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज कौन नहीं जानता CA, मैंने इसको जान के 7 नंबर पर लिया, क्योंकि हर बार सब इसको 1 नंबर 1 पर लेते हैं। मैं आपको देख, चलो ये लोग जो हॉर्न बजाते हैं, समझ में नहीं आता कि अभी रात हो रही है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और हॉर्न बज रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको डिस्टर्बेंस हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद कोई भी व्यक्ति जॉबलेस नहीं रहता। हर साल अभी भी 2 लाख देश में हमारी 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, और हर साल मात्र 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 10 या 20 हज़ार बच्चे ही पास हो पाते हैं। जी हाँ बच्चों, 4 से 5% रिजल्ट रहता है जी हाँ CA का। CA में अगर आप BCom के बाद करते हो तो आपका साल बच जाता है, 1.5 साल या 3 साल में आप कर सकते हैं। 2 ग्रुप 2 ग्रुप करके आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। CA की अगर बात करें तो गाइस, 6 नंबर पे आता है BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप BCom के बाद BEd करते हो तो 10th तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि कॉमर्स के टीचर की वैकेंसी नहीं निकलती, तो मैं कहता हूँ BEd ज़रूर करें अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। उसके साथ प्राइमरी में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, जिनमें BEd वाले भी एलिजिबल कर हो सकते हैं। तो उसका टेट का एक एग्ज़ाम होता है, उसको दे और आप गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तब आप BEd कोर्स करें, 2 साल का कोर्स है BCom के बाद।
अगर आप एमकॉम की बात करते हो तो एक साल का कोर्स है नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत, आप इस कोर्स को करेंगे, इसमें आपका टीचिंग स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, गवर्नमेंट वैकेंसीज मिल सकती है, प्राइवेट कॉलेज स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट गाइज बात करें वो है एमसीए। जी गाइज एमसीए की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर एमसीए आता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कौन कहता है बीसीए के बाद ही एमसीए होता है, बीकॉम वाले बच्चे भी एमसीए कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो तो। कंप्यूटर की जी हाँ एप्लीकेशन बेस से लेकर कंप्यूटर की डाटा बेस तक, लैंग्वेजेस तक, और वेब डिजाइनिंग से लेकर जो वेब वर्क होता है वो सब आप एमसीए में सीखते हो। एमसीए करने के बाद आप कंप्यूटर के मास्टर बन जाते हो, अपना भी एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, किसी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो एमसीए। अब आप इन सब कोर्सेज के बारे में किसी में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, जिसमें मैं ऑल डिटेल आपको देने वाला हूँ। क्योंकि गाइस अब एक और वीडियो हमारी सीरीज आने वाली है जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब को एक एक के बारे में डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप उसे क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटीज़ वगैरह रहती हैं। एमसीए के बारे में अगर बात, उसके बाद बात करें फोर नंबर पर एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज एमबीए के बारे में एक मिथ फैली हुई है कि एमबीए करके जॉब नहीं मिलती। वो क्या बात है, वो बात है कि एमबीए अगर आप किसी छोटे मोटे कॉलेज, जैसे छोटे मोटे शहर में आजकल ऑटोनोमस कॉलेज बन चुके हैं, अगर आप वहाँ से एमबीए करते हो तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी। अगर एमबीए करना है तो या तो कैट का एग्ज़ाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट देकर ही आप एमबीए करें। आईआईएम जो इंडिया में इंस्टीट्यूट चलते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से एमबीए करें, जैसे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम दिल्ली, आईआईएम बॉम्बे, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, वहाँ से करें, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते तो अच्छी सी यूनिवर्सिटी से जहाँ पर फीस लगभग 2 लाख रुपए होगी, वहाँ से आप एमबीए करें। एमबीए के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख लीजिए। इसमें अलग अलग ट्रेड है, जैसे मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक है, एचआर है, फिनेंस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इनसे आप एमबीए करके करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट, थर्ड नंबर पर आता है। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट है ये एमबीए जैसा ही है बट एमबीए से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स सिखाए जाते हैं, प्रैक्टिकल दिया जाता है, एमबीए में कॉन्सेप्चुअल समझाया जाता है वो भी 2 साल का है, ये भी 2 साल का। बट पीजीटीएम जो है, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑटोनोमस कॉलेज खोल रखे हैं, जैसे सिम्बोसिस पुणे है या और है, वहाँ पर ये पीजीटीएम का जो कोर्स है इसे करेंगे अगर आप, ये भी 20 से ज़्यादा ट्रेड हैं जिसमें आप कर सकते हैं, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल सकती है, जहाँ से आप पीजीटीएम का कोर्स करोगे डिप्लोमा का वही आपको जॉब दिला देंगे। आज एमबीए से ज़्यादा पीजीटीएम करने लगे हैं लोग, जी हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट करियर इसमें सबसे ज़्यादा बन रहा है। थर्ड सेकंड नंबर पे आता है डिप्लोमा। अगर आप भाई कुछ नहीं कर सकते, आप थोड़ा सी पुअर फैमिली से हो मेरी तरह, ठीक है, और फिनेंशियल प्रॉब्लम है, जल्दी जॉब चाहिए, तो आपके लिए है डिप्लोमा सेकंड नंबर पर। डिप्लोमा आज 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का आ रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, और वेब वर्क से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, फॉरन लैंग्वेज से रिलेटेड, अब कितने बताऊँ यारो, बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर है, जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, वीडियो शेयर कर दो, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, आपकी एक एक क्वेरी का जवाब वहाँ पर देने वाला हूँ, अपनी पूरी टीम वहाँ पर वर्क करती है। तो डिप्लोमा आप कर सकते हैं 10,000 में, 5,000 में, और अपना करियर बनाइए, जॉब पाइए, उसके बाद आपके पास टाइम है तो आगे पढ़ाई करो। और नंबर वन पे गाइस आती है एलएलबी। जी हाँ एलएलबी एक ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो बीकॉम के बाद आप कर सकते हैं। एलएलबी में आपके लिए जो ट्रेड रहेगा वो है टैक्स, वैसे क्रिमिनल डिफेंस भी होती है एलएलबी, लेकिन टैक्स एलएलबी करने के बाद, अब मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ, आपने कुछ वीडियो मेरी देखी होंगी, मैं हर बार फोर्स कर रहा हूँ बच्चों का एलएलबी करने के लिए, क्यों, जीएसटी लगने के बाद हर एक व्यापारी कंफ्यूज है कि टैक्स कैसे बचाऊं, सरकार को कैसे धोखा दूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मुमकिन कर रहे हैं लोग, और वो क्या करते हैं, वकील के पास जाते हैं, वकील साहब थोड़ी सलाह दो। तो टैक्स के लॉयर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, एक तो जीएसटी के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन है, आप इसकी स्टडी करेंगे, आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कैसे वो गलती से बच सकते हैं, कैसे वो टैक्स के बारे में क्या करें। अकाउंटेंसी भी आप जोड़ सकते हैं साथ में एलएलबी करने के बाद, अकाउंटेंसी भी जोड़ें, टैक्स लॉयर भी बने, और अपना करियर बना सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पर जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छा चांस है। मैं कहूँगा गर्ल्स भी, मैक्सिमम गर्ल्स के लिए भी एलएलबी है और बॉयज़ के लिए भी है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, बीकॉम वाले सही बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दबा के करना। इस वीडियो में मुझे मैक्सिमम व्यूज़ चाहिए, मैं 10,000 व्यू का टारगेट रखता हूं और 1,000 लाइक का, आई होप आप इसे पूरा कर देंगे, आप बस शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू।